दोस्तों यूट्यूब में ये सर्च कीजिएगा नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा जो भी आपको समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज आपको एक ऐसा इन्वर्टर बता रहे हैं जिससे कि आप एक बैटरी भी यूज कर सकते हैं और दो बैटरी भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये है माइकोटेक की इन्वर्टर जो कि 1400 है, यानी कि 1400 VA का यह इन्वर्टर है जिसमें कि आप दो बैटरी भी इंक्लूड कर सकते हैं और एक बैटरी भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि दो बैटरी से भी चला सकते हैं और एक बैटरी से भी चला सकते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये 1400 का इन्वर्टर है जो कि 12 वोल्ट इनपुट में वर्क करता है, ठीक है। और इसमें आप एक बैटरी लगा सकते हैं, अगर आपके पास 150 एम्पीयर की एक बैटरी है उसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर 150 एम्पीयर की दो बैटरी है तो दो बैटरी भी इसमें यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसमें कनेक्शन करने की बात है, कैसे कनेक्शन करना है इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा लास्ट में। दोस्तों पहले हम लोग इन्वर्टर यूज करते थे दो बैटरी में, यानी कि दो बैटरी में हम लोग 1400 VA का इन्वर्टर यूज करते थे जो कि इसमें 24 वोल्ट इनपुट करते थे, यानी कि दो बैटरी इसमें लगता ही था। और इसमें आप एक बैटरी भी लगा सकते हैं, इसकी खासियत यही है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये बैटरी पे आप जो दो बैटरी का लोड होता है आप सिंगल बैटरी में आप लोड दे सकते हैं और इसकी बैकअप भी बढ़ा सकते हैं इसमें दो बैटरी लगाकर। और दोस्तों इसमें बैटरी कनेक्शन दो कैसे करना है? फ्रेंड्स इसमें आप बैटरी जो भी कनेक्शन करेंगे इसमें आपको पैरेलल कनेक्शन करना है, यानी कि इसमें सीरीज कनेक्शन नहीं रहेगा। 24 वोल्ट में हम लोग सीरीज कनेक्शन लगाते हैं इसमें पैरेलल। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये है इसमें दो बैटरी का हम लोग ऐसे कनेक्शन करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। दोस्तों ये है इसको पैरेलल कनेक्शन, इसी तरह हमको कनेक्शन करना है, यानी कि इसमें सीरीज में कनेक्शन नहीं करना है, इसमें क्रॉस कनेक्शन नहीं करना है, इसमें जो कि पैरेलल कनेक्शन करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इसमें कनेक्शन करना है। जो कि इसमें बैटरी अगर आपकी 150 की है तो इसमें 150 + 150 300 एम्पीयर की बैटरी हो जाएगी, जो कि इसमें आप 360 एम्पीयर तक बैटरी इसमें यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जब भी इसमें आप बैटरी लगाएंगे इसमें आप सीरीज कनेक्शन नहीं करें तो इसमें पैरेलल कनेक्शन करें, सीरीज कनेक्शन करेंगे तो 24 वोल्ट हो जाएगी तो इन्वर्टर खराब हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कभी भी कनेक्शन करना है तो पैरेलल कनेक्शन करना है। इसमें आप 180 एम्पीयर और 180 एम्पीयर दो बैटरी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत।